हेलो सुप्रभात दोस्तों। जिसके खून में जुनून है, जो अपने बापू का सपना पूरा करना चाहता है, उन सभी आईटीआई विद्यार्थियों का दिल खोल कर स्वागत होने वाला है इस क्लास के अंदर। दोस्तों, बहुत हुआ मजाक आपके साथ। इस आईटीआई की मैदान में अब की बार महाभारत हम करेंगे और इस रणभूमि का कृष्ण भी आप होंगे और अर्जुन भी आप होंगे और मेरे दोस्तों जीत भी आपकी होनी चाहिए। हो चुका आग गाजरण का युग बदलने की तैयारी, अब जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। अगर माँ की सपने पूरे करना है तो संघर्ष तो करना पड़ेगा। दोस्तों, इस क्लास को आग की तरह फैला दो, इतना शेयर करो कि हिंदुस्तान के कोने कोने तक पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि अब की बार संघर्ष मिलकर करना है और ये संकल्प आज और अभी लेना है। दोस्तों, इस पूरे क्लास के अंदर केवल और केवल एक ही प्रश्न है। क्या? एक ही प्रश्न है और ये अकेला प्रश्न ही इस पूरे क्लास में इतिहास रचने वाला है। दोस्तों, इस पूरे क्लास के अंदर ये अकेला प्रश्न तांडव करने वाला है। तो दोस्तों, निकालिए अपना नोटबुक और नोट करिए, क्योंकि आप वो इंसान हैं जो अपनी कलम की ताकत से पूरी दुनिया को जीत सकते हैं। क्या? पूरी दुनिया को पलट सकते हैं। दोस्तों, इस क्लास का क्या, इस क्लास का जो प्रश्न है वो आपके सामने पेश कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। क्या आईटीआई कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद, क्या आईटीआई कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद नौकरी के लिए क्या अप्रेंटिसशिप करना जरूरी है या नहीं है? तो यही प्रश्न है, वो यही प्रश्न है दोस्तों जो अकेला इतिहास रचने वाला है इस क्लास के अंदर। तो ध्यान दीजिएगा, लो कर लो अपने माँ के सपने पूरे। एक ऐसा कंपनी जो आपके सामने खड़ी है, जिसका सपना हर कोई देखता है। क्या दोस्तों? जिसका सपना हर कोई देखता है। इसे कोल माइंस की फैक्ट्री नहीं, इसे सपनों की फैक्ट्री कहा जाता है। क्या दोस्तों? नोट कीजिएगा, इसे सपनों की फैक्ट्री कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कोल माइंस की जितनी भी कंपनी है, क्या कोल माइंस में कुल चार कंपनी है। कितनी? कुल चार कंपनी है। नोट कीजिएगा दोस्तों, सबसे पहला है ECL। क्या? सबसे पहला है हमारा ECL। और दोस्तों, ये जो ECL कंपनी है ये कहाँ पे स्थापित है? तो दोस्तों, ये स्थापित है झारखंड के अंदर। कहाँ पे? झारखंड के अंदर ये स्थापित है। और इसके अलावा दूसरी कंपनी है जो कोल माइंस की है, WCL। क्या? WCL। और ये जो WCL है दोस्तों, ये स्थापित है नागपुर के अंदर। कहाँ पे? नागपुर के अंदर ये WCL कोल माइंस की कंपनी स्थापित है। और जो तीसरी कंपनी है दोस्तों, क्या, जो तीसरी है वो है NCL, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। क्या? नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये मध्य प्रदेश के, कहां के? मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। कहां? मध्य प्रदेश के सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में। ये ऐसी कंपनी है जिसकी वजह से पूरे सिंगरौली को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। तो NCL कहां पे स्थापित है दोस्तों? सिंगरौली के अंदर। और इसके अलावा जो चौथी कंपनी है उसका नाम है SCL। क्या दोस्तों? SCL। और ये स्थापित है कहां पे? छत्तीसगढ़ में। कहां? छत्तीसगढ़ में। ये छत्तीसगढ़ में स्थापित है। तो ये चारों कंपनी जो आपके सामने खड़ी है। और दोस्तों, इनमें खास बात क्या है? इनमें खास बात ये है कि आप आईटीआई वालों को ये करियर बनाने का मौका देती हैं। और मौका ये तभी देती हैं दोस्तों जब आपके साथ आईटीआई कोर्स, क्या आईटीआई कोर्स कंप्लीट होने के बाद साथ में अप्रेंटिस भी कंप्लीट हो तब। और मेरे दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये जो कंपनी है ना, क्या ये जो कंपनी है, ये आपको टेक्नीशियन के पोस्ट पे, किसके पोस्ट पे? टेक्नीशियन के पोस्ट पे ये वैकेंसी निकालती है और इलेक्ट्रीशियन का काम कराती है। ये इसका कहना है दोस्तों, जो कोल माइंस की जितनी भी कंपनी है, इनका कहना है कि हम आपको शुरुआती में ही इतना तनख्वाह देंगे कि आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी, लेकिन
हमें एक कुशल कारीगर की जरूरत है और अप्रेंटिसशिप, क्या ये जो अप्रेंटिसशिप है ना दोस्तों, ये आपको एक कुशल कारीगर बना के तैयार करती है। जब आपका अप्रेंटिसशिप कंप्लीट होगा तब ये टेक्नीशियन के पोस्ट पे आपको नौकरी पे रखेगा। इसलिए कोल माइंस की जितनी भी कंपनी है सभी में अनिवार्य है अप्रेंटिसशिप करना। तो दोस्तों इसके बाद क्या, इसके बाद जो कंपनी है ये ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पूरा लोकेशन दिख रहा है ये लोकेशन कोल माइंस की है, क्या कोल माइंस की, इसीलिए इसको ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। और अगला मेरे दोस्तों नोट कीजिएगा, यहां पे ये जो आपको दिख रहा है ये जो रेलवे लाइन दिख रहा है ये क्या है, रेलवे लाइन, आप यहां पे देख सकते हैं रेलवे लाइन, ये रेलवे लाइन है। और इस रेलवे लाइन में ध्यान देना, यहाँ पे जो ट्रेन है क्या, यहाँ पे जो ट्रेन है ये कंटेनर को लोड किया हुआ है, और ये वाली जो लाइन है सॉरी ट्रेन है ये देखिए ये कुछ गिट्टी या कोई कोयला है, क्या ये कोयला है। और इसके अलावा यहाँ पे आप देखिएगा ये जो तेल कंटेनर वाली एक मालगाड़ी खड़ी है, इसका मतलब ये इंडियन रेलवे लाइन की कंपनी है। कौन सी कंपनी है दोस्तों, इंडियन रेलवे लाइन की कंपनी है। तो इंडियन रेलवे लाइन की ये कंपनी है। तो दोस्तों इस कंपनी का नाम क्या है, DFCCIL, नोट कीजिएगा DFCCIL, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। और दोस्तों इसमें भी अप्रेंटिसशिप की जरूरत है। अगर आपको DFCCIL कंपनी में अपना करियर बनाना है तो ITI कोर्स के साथ साथ अप्रेंटिस भी करना पड़ेगा, क्या अप्रेंटिस भी करना पड़ेगा। इसमें टेक्नीशियन के पोस्ट पे वैकेंसी आती है और इलेक्ट्रीशियन का काम कराया जाता है। तो दोस्तों दो कंपनी हो चुकी जिनमें नौकरी करने के लिए अप्रेंटिसशिप करना बेहद ही जरूरी है। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो रेलवे लाइन के ऊपर इलेक्ट्रिक रेलवे लाइन, इलेक्ट्रिक की लाइन बिछी होती है, उस लाइन पे ये काम करता हुआ बंदा जो आपको दिख रहा है ये ITI होल्डर बंदा है, क्या ITI इलेक्ट्रीशियन वाला बंदा है, और इस प्रकार से इनको ड्यूटी दिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा ये जो कंपनी है इस कंपनी का नाम है नेवी, क्या नेवी, नेवी का मतलब होता है नौसेना, नोट कीजिएगा दोस्तों नेवी का मतलब होता है नौसेना। और यहां पे आपको ट्रेड्समैन, क्या ट्रेड्समैन के पोस्ट पे वैकेंसी आती है और इलेक्ट्रीशियन का काम कराया जाता है। तो ये जो एरिया देख पा रहे होंगे आप, ये वाली जो एरिया देख रहे हैं ये शिपयार्ड एरिया है, क्या शिपयार्ड एरिया, इस एरिया में पुराने नाव भी खड़े किए जाते हैं और नए नाव भी खड़े किए जाते हैं। यहां पे जो पुराने नाव होते हैं उनका विद्युत अनुरक्षण ITI ट्रेड्समैन के द्वारा कराया जाता है। और यहां पे ये जो नाव देख रहे हैं आप ये एक नई नाव है, और इस नाव के अंदर विद्युत वायरिंग की स्थापना कौन करेगा, एक ITI ट्रेड्समैन होल्डर करेगा, कौन आप करेंगे। तो दोस्तों यहां पे ट्रेड्समैन के पोस्ट पे वैकेंसी आती है और इलेक्ट्रीशियन का कार्य कराया जाता है, लेकिन अप्रेंटिसशिप करना यहां भी जरूरी है, क्या अप्रेंटिसशिप करना कंपलसरी है, तभी इस कंपनी में आप नौकरी कर सकेंगे अन्यथा नहीं। तो दोस्तों इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, ये आप जो देख पा रहे हैं इस कंटेनर में, क्या इस कंटेनर पे चढ़ के पोल पे कार्य करता हुआ आदमी कौन है, ये जो आदमी है ये ITI होल्डर है, क्या ये ITI होल्डर है। अब मैं आपको कुछ ऐसे कंपनी का नाम बताऊंगा जिनमें अप्रेंटिसशिप करने की कोई आवश्यकता नहीं फिर भी आप नौकरी कर सकते हैं। दोस्तों आपने सुना होगा MPEB, क्या MPEB, मध्य प्रदेश इलेक्ट्रिकल बोर्ड। दोस्तों अपने मध्य प्रदेश में विद्युत वितरण की कुल तीन कंपनी है, क्या विद्युत वितरण की कुल तीन डिस्कॉम है, पहला है MPPKVVCL, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। और दोस्तों ये इसका जोन कहाँ है, जबलपुर के अंदर,
जबलपुर, ये जो MPP KVVCL है तो ये कौन से जोन के अंदर आता है, ये जबलपुर जोन के अंदर आता है। और इसके अलावा दोस्तों नोट कीजिएगा, इसके अलावा है MPP KVVCL यानी कि मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी। सॉरी दोस्तों, ये जबलपुर के नहीं, मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी है जबलपुर के अंदर, और मध्य प्रदेश पश्चिम है इंदौर के अंदर। ये कौन से जोन के अंदर आता है दोस्तों, इंदौर के अंदर आता है। इसके अलावा जो हमारा एक और डिस्कॉम है वो है MPM KVVCL, इसका मतलब हो गया दोस्तों मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड। और ये किस जोन के अंतर्गत आता है, ये भोपाल जोन के अंतर्गत आता है। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे ये जो तीनों डिस्कॉम है विद्युत वितरण लाइन की, यहाँ पे लाइनमैन के पोस्ट पे भर्ती लिया जाता है, और लाइनमैन के अलावा टेस्टिंग असिस्टेंट के पोस्ट पे भी वैकेंसी आती है, और किसी भी प्रकार की कोई अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं है। अगर आप MPEB जैसे नौकरी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो अभी तुरंत जुड़िए इस चैनल से, क्योंकि बहुत ही जल्द सबसे पहला टारगेट है हमारा इस MPEB पे जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व कराना। तो दोस्तों अगला कंपनी है जिसपे किसी भी प्रकार का कोई अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और इस कंपनी का नाम है इसरो। क्या? इस कंपनी का नाम है इसरो। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसरो का पूरा नाम होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में कहते हैं इसको भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन। दोस्तों इसका पुराना नाम क्या है, इसका पुराना नाम है भारतीय राष्ट्रीय समिति, ये इसका पुराना नाम होता है। दोस्तों एक ऐसी कंपनी जो अंतरिक्ष में जाने के लिए रॉकेट का डिजाइन करती है, क्या रॉकेट को तैयार करती है। आपको गर्व महसूस होगा जब ऐसे बड़े कंपनी में आप टेक्नीशियन के पोस्ट पे नौकरी कर रहे होंगे, आपके बापू के सारे अरमान पूरे हो जाएंगे, सारी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी जब इसरो जैसी फैक्ट्री में आप अपना योगदान निभा रहे होंगे। तो दोस्तों यहाँ पे भी किसी भी प्रकार के कोई अप्रेंटिस की आवश्यकता नहीं होती है, और टेक्नीशियन के नाम पे वैकेंसी आती है और इलेक्ट्रीशियन का कार्य कराया जाता है। और मेरे दोस्तों किसी भी प्रकार का कोई अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं है। और इसी कड़ी में अगली कंपनी है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हैं तो ये एक इलेक्ट्रीशियन है जो इस पूरे कंट्रोल बोर्ड पे, आप कंट्रोल पैनल पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कंट्रोल टर्मिनल लगा हुआ है, MCB है, कॉन्टेक्टर है, और यहाँ पे हमारा कुछ रिलेज वगैरह है, यहाँ पे टाइमर लगी हुई है। और ये जो बंदा है ये एक इलेक्ट्रीशियन है जो इसरो प्लांट के अंदर अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, इस टेक्नोलॉजी को और आगे बढ़ाने में अपनी मदद कर रहा है। तो ये जो टेक्नीशियन है, ये टेक्नीशियन देख लीजिए मल्टीमीटर का वायर लेके इसमें से कुछ पावर वगैरह चेक कर रहा है। तो दोस्तों इसी प्रकार का ड्यूटी इसरो के अंदर आपको दिया जाएगा, और आपका नाम रहेगा टेक्नीशियन। क्या? टेक्नीशियन, जो कि इलेक्ट्रीशियन का कार्य करेंगे। तो दोस्तों अगला कंपनी है, ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी कंपनी जो लड़ाकू विमान, तेजस, मल्टी बैरल्स, युद्ध प्रणाली, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली, वायु रक्षा प्रणाली जैसे खतरनाक हथियार तैयार करती है। क्या? खतरनाक हथियार तैयार करती है, ऐसे उस कंपनी का नाम है DRDO। क्या? DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या? इसका हिंदी नाम होता है दोस्तों रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। दोस्तों जब आप ऐसे कंपनी में नौकरी करेंगे तो एक फक्र महसूस होगा, क्या एक गर्व महसूस होगा कि ऐसे कंपनी में हम
नौकरी करने जा रहे हैं, तो दोस्तों यहां भी किसी भी प्रकार का कोई अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं पड़ती है, किसी भी अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं पड़ती। यहां पे टेक्नीशियन के पोस्ट पे, क्या टेक्नीशियन के पोस्ट पे आपको वैकेंसी आती है आपके लिए, और इलेक्ट्रीशियन का काम कराया जाता है। और इसके अलावा दोस्तों, इसके अलावा जो कंपनी है वो आपके सामने खड़ी है, इंडियन ऑयल, क्या इंडियन ऑयल, IOCL, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, नोट कीजिएगा दोस्तों, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसका जो केंद्र है ना दोस्तों, इसका जो सेंटर है, ये यूपी के अंदर, कहाँ, यूपी के अंदर मथुरा में, यूपी के अंदर मथुरा में, हरियाणा के अंदर पानीपत में, और इसके अलावा ये बिहार के बनौली में, कहाँ, बिहार के बनौली में, और इसके अलावा ये असम के गुवाहाटी में, नोट कीजिएगा दोस्तों, असम के गुवाहाटी में। इतने जगहों पे IOCL का रिफाइनरी प्लांट है, क्या रिफाइनरी प्लांट स्थापित हुआ है। और जो IOCL प्लांट होता है दोस्तों, वहाँ रिफाइनरी प्लांट में ही वैकेंसी आती हैं, और वैकेंसी आती है टेक्नीशियन के लिए, किस पोस्ट पे, टेक्नीशियन के पोस्ट पे आती है। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ और कंपनीज है जो आपके सामने मैं खड़ी करता हूं। ये देखिए, ये जो कंपनी है, ये कंपनी का नाम है NPCIL, क्या NPCIL, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये जो NPCIL है ये कहाँ कहाँ पे स्थापित है, NPCIL परमाणु के द्वारा, क्या परमाणु ऊर्जा के द्वारा ये बिजली पैदा करती है। और NPCIL जो प्लांट है मेरे दोस्तों, ये स्थापित कहाँ है, ये स्थापित है तमिलनाडु के अंदर, कहाँ, तमिलनाडु। इसके अलावा ये काकरापार, क्या दोस्तों, काकरापार, सबसे बड़ी NPCIL, भारत की सबसे बड़ी NPCIL कंपनी है कुड़नकुलम में, कहाँ पे दोस्तों, कुड़नकुलम के अंदर ये सबसे बड़ी भारत की NPCIL कंपनी स्थापित है। ये परमाणु के द्वारा बिजली पैदा करती है, एक पावर प्लांट है, और किसी भी प्रकार के कोई अप्रेंटिसशिप की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है इस कंपनी में नौकरी करने के लिए दोस्तों, तो अप्रेंटिसशिप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ कंपनी ऐसा था दोस्तों जिसमें अप्रेंटिसशिप करना ज़रूरी है, और कुछ ऐसे कंपनी आपके सामने लाकर खड़ा किया मैं जिसमें किसी भी प्रकार की अप्रेंटिस करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों इनमें से किसकी तैयारी आप कर रहे हैं, जिस किसी की भी तैयारी कर रहे हो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बहुत ही जल्द जितने भी कंपनी हैं हमारे भारत के अंदर जो ITI वालों को हायर करती हैं, ITI वालों को मौका देती हैं उनका कैरियर बनाने का, उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आपके सामने हाजिर होने वाला हूं। तो दोस्तों इसी जोश और जुनून के साथ कल फिर हम मिलेंगे आपके सामने, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को इतना शेयर कीजिए कि ITI के सारे विद्यार्थी तक पहुँच जाना चाहिए। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।